ग्राम ऊंची बारोद में 22 वर्षीय नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। खबर बैराड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ऊंची बारोद से है, जहां पर आज मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बैराड़ थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हरिओम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी देशरात पुत्र छोटेलाल धाकड़ उम्र 25 वर्षीय निवासी ग्राम ऊंची बारोद ने बैराड़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह जब करीब 5 बजे उसने अपनी पत्नी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी पत्नी मृतका प्रीति धाकड़ उम्र 22 वर्षीय छत में लगे कुंदे से फांसी पर लटकी हुई मिली। वहीं चिल्लाया हुआ तो उसकी माँ पिस्ता तथा पिता छोटेलाल आ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची बैराड़ थाना पुलिस ने मृतका के शव को बैराड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों द्वारा अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि किन कारणों के चलते मृतका ने ठोस कदम उठाया है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि नवविवाहिता पीटी धाकड़ पति देशराज उर्फ गुरु धाकड़ की पत्नी, उसकी उम्र 23 साल है, उसने फांसी लगा दी है। सूचना पर मर्ग कायम कर मौके पर पहुंचे, क्योंकि नवविवाहिता वाला मामला था, इसलिए श्रीमान एसडीओपी महोदय और पेशा महोदय को भी सूचना दी गई। वहां जाकर कार्रवाई की गई और नवविवाहिता का पीएम कॉलेज जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर से कराया गया है। अभी पूछताछ में किसी के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है। महिला के मायके पक्ष के लोग भी उपस्थित थे, उन्होंने जाना कुछ नहीं बताया। थोड़ा बहुत आपसी जो थोड़ा बस पति पत्नी के झगड़े के बारे में बात के लिए डिटेल में कुछ नहीं बताया। बाद में अभी जांच में है और जैसे भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।